हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या। अब आप मेरे को अनअकैडमी ऐप और अनअकैडमी की साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। अब आप मेरे को अनअकैडमी पर मेरे नाम ललित कुमार से सर्च कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशनल मेथड, और आज हम वेरिएशनल मेथड पे एक क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑफ मास m एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा यूजिंग गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन। मींस गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन का यूज कर हमको हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वेरिएशन मेथड के कुछ पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं और कहां पर इसको अप्लाई करते हैं। मैं वेरिएशन मेथड के ऊपर बाद में अलग से सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। अभी हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम अब आने ही वाला है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यह है कि वेरिएशन मेथड ये अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है टू ऑब्टेन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मींस ये किसी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को मेजर करने के काम आता है, और ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। और हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि हम इसमें एक ट्रायल वेव फंक्शंस का यूज करते हैं। तो एज्यूम सम ट्रायल वेव फंक्शन, मींस हमको यहाँ पे एक ट्रायल वेव फंक्शन को एज्यूम करना है, जिसकी हेल्प से हम इसकी एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन लिख लेंगे। तो एक पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायल वेव फंक्शन को एज्यूम करेंगे, और उसके बाद हम उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख लेंगे हैमिल्टोनियन की। तो हैमिल्टोनियन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि जब ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी हैमिल्टोनियन की, हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में। अब वेरिएबल पैरामीटर्स क्या होता है, तो सपोज करो मेरे पास एक वेव फंक्शन है। यहाँ पे हमने क्या माना था, एक ट्रायल वेव फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायल वेव फंक्शन मान लेता हूँ साइन एक्स। मीन्स मेरे पास ये ट्रायल वेव फंक्शन है साइन एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो ये अल्फा है यही हमारा क्या है, वेरिएबल पैरामीटर है। तब हम इस अल्फा के रेस्पेक्ट में इस वाले इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मींस इसका डेरिवेटिव लेके इसको जीरो के इक्वल रख दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा मिनिमाइज। और यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब मैं इस इक्वेशन को अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहां से मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यह वेरिएबल पैरामीटर। फाइंड द वेरिएबल पैरामीटर वैल्यू, यहां से हम वेरिएबल पैरामीटर की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अब उस अल्फा की वैल्यू को हम वापिस से इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी। और वो जो एनर्जी होगी वो ग्रेटर और इक्वल हो सकती है एग्जैक्ट एनर्जी के। मींस उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के वो या तो ग्रेटर होगी या उससे कम या उसके इक्वल होगी। तो यही था हमारे पास वेरिएशन मेथड। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर दिया हुआ था, तो हम सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए हैमिल्टोनियन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे हैमिल्टोनियन लिख लिया h इजिकल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम एक ट्रायल वेव फंक्शन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन माना है गॉसियन वेव फंक्शन को। ये हमारा एक गॉसियन वेव फंक्शन होता है साइन एक्स इजिकल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। हमने देखा भी है कि हमारा जो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर केस होता है उसका जो वेव फंक्शन होता है उसके वेव फंक्शन में गॉसियन वेव फंक्शन आता है। तो हमने वहीं से एज हम जब जानते हैं तो हमने उसी को क्या मान लिया, यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन मान लिया। तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन एक्स इजिकल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायल वेव फंक्शन। यहाँ पे जो ये अल्फा है ये हमारे पास वेरिएबल पैरामीटर है। अब हम इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लेंगे। हम जानते हैं जो नॉर्मलाइज कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन स्टार साइन dx इज इक्वल टू 1, यह हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। हम इससे इस a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। अब साइन स्टार की वैल्यू में यहाँ लगाएंगे और साइन की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। अब ये जो इंटीग्रल होता है हमारे पास मैथमेटिकल में, एक इंटीग्रल होता है मैथमेटिक्स में, वो ये होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस a एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे a आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा आ रहा है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 अल्फा। अगर इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 अल्फा, और इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई अपॉन a, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट पाई अपॉन 2 अल्फा, क्योंकि a की जगह कितना आ रहा है हमारे पास 2 अल्फा, तो a स्क्वायर अंडर रूट पाई अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन पाई, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4, ये हमारे पास a आ गया। अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा, तो यह आ गया हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन पाई 1/4 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ गया। अब हमारा स्टेप 2 ये है कि हम इस हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है h इज इक्वल टू इस x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साइन x साइन, ये हमारे पास होगा। अब हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू हमारे पास ये थी, इस हैमिल्टोनियन की वैल्यू को उठा के हमने यहाँ रख दिया। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको अलग लिख लेंगे एक बार इसको अलग लिख लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए माइनस एस कट स्क्वायर अपॉन 2m ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया माइनस एस कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो गया हमारे पास कैट साइन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया। अब प्लस यहाँ से देखिए 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, ये हमारे पास ग्रा साइन एक्स स्क्वायर कैट साइन, तो ये आ गया। जब हमने इसमें करा तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारा पहला स्टेप ये है, इस वाले फंक्शन में हमारा पहला स्टेप ये है कि हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए मैं इसको इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख लिया, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम साइन की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे साइन की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे साइन की वैल्यू लगाएंगे, तो हमारे पास साइन की वैल्यू ये थी। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 बार आ रहा है क्योंकि इंटीग्रल में साइन 2 बार आएगा, एक आएगा साइन स्टार एक आएगा साइन, तो यहाँ पे हम साइन स्टार की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका कंजुगेट ले लेंगे। अब ये एक रियल वेव फंक्शन है तो उसका कंजुगेट भी रियल ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा 1/4 पाई। अब ये हम 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो देखिए 2 अल्फा पाई 1/2 आ गया, इंटीग्रल के बाहर आ गया, ये कांस्टेंट नंबर है, और बचा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसका और इसका क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 बार, तो जब हमने इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करा तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ये टर्म आई हमारा, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी और dx हमारे पास ऐसी रहेगा। अब हम क्या करते हैं इस e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लिया। तो एक बार मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो मेरा आया माइनस 2 अल्फा e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो आया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे माइनस 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये वाली जो टर्म बननी है, ये वाली टर्म ये इसकी तरह बननी है, ये आ गया हमारे पास, और इसकी जो वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी अंडर रूट पाई अपॉन 2 अल्फा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे अंडर रूट पाई अपॉन 2 अल्फा, हमने अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आ गया। अब ये हमारे पास 4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो बचा एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx। अब हमारे पास मैथमेटिक्स में इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस a एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन a क्यूब। अब यहाँ पे a कितना है हमारे पास 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का क्यूब कितना हो जाएगा 1 अल्फा क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास, तो 1/2 इसमें आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई 8 अल्फा का क्यूब अंडर रूट और अंडर रूट को हमने क्या लिख लिया 1/2 लिख लिया है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इस 2 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब देखिए, अब हमने इस 2 अल्फा अपॉन पाई 1/2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जब हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास -2 अल्फा यहाँ आ गया, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 2 से हमारा ये 4 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। इससे इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 2 अल्फा अपॉन पाई 1/2। तो ये टर्म हमारे पास ऐसी की ऐसी आ गई। अब देखिए इसने इसको क्या करा कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास -2 अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 अल्फा स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर। अब ये भी रूट है ये भी रूट है, हमने इसको एक साथ लिख लिया तो कितना है 2 अल्फा अपॉन 8 अल्फा क्यूब 1/2। अब ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा आया 4, ये आया नीचे हमारा अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आया -2 अल्फा + 2 अल्फा स्क्वायर 1/4 अल्फा स्क्वायर 1/2, यह आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये रूट में है तो रूट से बाहर आएगा कितना 2 अल्फा। तो हमारा रूट के बाहर कितना आ गया 2 अल्फा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, तो कितना बचा ये वाला बचा -2 अल्फा, और यहाँ से कितना आएगा अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -का अल्फा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -के अल्फा। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ अब इसकी जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ रखेंगे -अल्फा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इसमें, तो ये आ जाएगा इजिकल टू -h² अपॉन 2n अल्फा। यह आ गया, ये हमारे पास माइनस था, एक माइनस ये था, कितना हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी तो हमारे पास क्या था ये -h² अपॉन 2m और x d² अपॉन dx² साइन, ये था हमारे पास -h² अपॉन 2n। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -के अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया h² अपॉन 2n अल्फा। तो यह आ गया हमारे पास। अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इस वाले फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1/2m ω² sin x² sin, और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास -अल्फा। तो जब हमने -अल्फा पुट करा तो ये हमारे पास हो जाएगा h² अल्फा अपॉन 2m। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस वाले फैक्टर की वैल्यू sin x² sin, तो इसको भी हम इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये -∞ से ∞ x² e⁻²αx²dx। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने पहले भी सॉल्व कर ली थी, तो यहाँ से आ जाएगी देखिए x² e⁻ax² इजिकल टू होता है 1/2 √π/a³, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा। तो यहाँ पे a क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 2 अल्फा का क्यूब, तो मीन्स यह आ जाएगा 1/2 पाई 8 अल्फा क्यूब 1/2, यह आ जाएगा। अब देखिए एक रूट हमारे पास ये है, एक रूट हमारे पास ये है, हम इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 हमारा बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा पाई अपॉन 8 अल्फा क्यूब पाई, और इस पूरे का रूट, इसको आपस में हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस अल्फा से 8 अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये आ जाएगा हमारा 4, तो कितना आ गया 1/4 अल्फा स्क्वायर का रूट, ये आ गया हमारे पास। 1/2 हमारे पास पहले से ही है, तो 1/2 हमारे पास यहाँ आ गया, और इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/2 अल्फा। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 अल्फा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई sin x² sin की, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 अल्फा। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को रख दिया, तो 1/2m ω² 1/4 अल्फा, तो ये हमारे पास आ जाएगा m ω² अपॉन 8 अल्फा, ये आ गया। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू h की, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये था, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी h की, तो अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी थी तो हमारे पास यह आ गया था, और इसकी वैल्यू हमारे पास यह आ गई है। तो अब हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर अल्फा अपॉन 2m प्लस एम ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फा, ये आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, जब हम इसको क्या कर देंगे मिनिमाइज कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। मीन्स अब हम इस इक्वेशन को मिनिमाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो मिनिमाइज करने का मतलब ये होता है डी अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इसका डेरिवेटिव हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो अब इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन 2m। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में तो यह आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हमने इस इक्वेशन को इक्वल रख लिया एक दूसरे के तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर 2m इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फा स्क्वायर। यहां से हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो देखिए हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है एम स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4h कट स्क्वायर और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम ओमेगा अपॉन 2h कट। ये हमारे पास इस अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम वापिस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगी मिनिमम एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए। तो अब हम इस अल्फा की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं वापस तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगाएंगे तो हमने यहाँ पे लगा दी है तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एम ओमेगा अपॉन 2h कट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 और यहाँ पे हमारा अल्फा नीचे था तो हम इसको रिवर्स करके लिख देंगे 2h कट एम ओमेगा। अब देखिए इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, इस h से ये एक h कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से इस m से ये m कैंसिल और इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल और इस 2 से ये 8 कैंसिल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा h कट ओमेगा अपॉन 4 प्लस h कट ओमेगा अपॉन 4। तो इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2h कट ओमेगा अपॉन 4। यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई h कट ओमेगा अपॉन 2। यही हमारे पास क्या होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हैमिल्टोनियन ऑस्किलेटर के लिए। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई है ऑस्किलेटर के लिए। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन वेरिएशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। थैंक यू।